भैया सभी को नमस्कार स्वागत एक और वीडियो में ऑफ द दे ट्वेंटी डेज प्लेच पिछले वीडियो में हम लोग मोड कंप्लीट कर चुके थे तो ये आखिरी वीडियो है सेंट्रल टेंडेंसी का बहुत ध्यान से देखना इट इज लास्ट बट नॉट द लीस्ट तो चलो शुरू करते हैं तो भाइयों आज हम लोग बात करने वाले हैं रिलेशनशिप प्रॉब्लम की रिलेशनशिप प्रॉब्लम में कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है तो मैं कम्युनिकेट कर रहा हूं रिलेशनशिप बिटवीन मीन मोड और मीडियन मीन मोड और मीडियन के बीच में एक रिलेशनशिप होती है जिसको हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं थ्रू अ फॉर्मूला तो मैंने दो फॉर्मूले लिख दिए मोड इज इक्वल टू थ्री मीडियन माइनस टू मीन और दूसरा फॉर्मूला है कि मोड माइनस मीन इज इक्वल टू थ्री टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस मीन वैसे लॉजिकली तो तुम्हें फर्स्ट इक्वेशन याद होनी चाहिए मोड इज इक्वल टू थ्री मीडियन माइनस टू मीन अगर ये याद है तो दूसरी इक्वेशन ऑटोमेटिकली बन जाएगी मैं बताता हूं कैसे देखो हमारी इक्वेशन होती है मोड इज इक्वल टू थ्री मीडियन माइनस टू मीन अगर मैंने दोनों साइड्स मीन को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो मेरा हो जाएगा मोड माइनस मीन इज़ इक्वल टू थ्री मीडियन माइनस टू मीन माइनस मीन तो मोड माइनस मीन इज इक्वल टू थ्री कॉमन निकाल लिया मीडियन माइनस मीन तो इसको मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं डिफरेंस बिटवीन मोड एंड मीन इज थ्री टाइम्स द डिफरेंस बिटवीन मीन एंड मीडियन लिख लो इसको तो मोड इक्वल टू थ्री मीडियन माइनस टू मीन ये इक्वेशन याद होनी चाहिए और इसी से दूसरी इक्वेशन भी बन जाती है कि डिफरेंस बिटवीन मोड एंड मीन इज थ्री बिटवीन मीडियन एंड मीन इन दोनों प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन टेस्ट किए गए हैं वो लोग मीडियन दे देंगे मीन दे देंगे और बोलेंगे मोड निकालो या फिर मोड और मीडियन दे देंगे और बोलेंगे मीन निकालो या फिर मीन और मोड दे देंगे और बोलेंगे मीडियन निकालो यानी तीन वेरिएबल में से दो वेरिएबल गिवन होंगे और एक वेरिएबल तुम्हें निकालना होगा से फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कहा मीडियन इज इक्वल टू एट मीन इज इक्वल टू सिक्स कैलकुलेट मोड तो मोड होने वाला है थ्री मीडियन माइनस टू मीन यानी कि ट्वेंटी फोर माइनस ट्वेल्व विच इज ट्वेल्व तो मेरा मोड आ जाएगा ट्वेल्व तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है मोड इज इक्वल टू थ्री मीडियन माइनस टू मीन तो भाई हो अब हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे बहुत ही जल्दी से एग्जाम आने वाली है पूरी एफर्ट के साथ मैं होने वाला हूं गायब तुम लोग दिमाग लगाओ क्वेश्चन पे उसका फोन साइड में रख देना ईमानदारी के साथ तो क्वेश्चन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ इज करेक्ट थ्री टाइम्स मीन एंड मीडियन इज इक्वल टू मीन माइनस मोड या फिर मीन माइनस मीडियन इज इक्वल टू थ्री टाइम्स मीन माइनस मोड एंड से बहुत सारे कंफ्यूजिंग ऑप्शन दे रखे देखो सी और डी तो डायरेक्टली कट हो जाएंगे बिकॉज थ्राइज होता है डिफरेंस ये हमें पता है अगर मैं बोलता हूं थ्री टाइम्स डिफरेंस बिटवीन मीडियन एंड मीन इज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन मोड एंड मीन तो अगर मैं दोनों साइड नेगेटिव साइन को कॉमन ले लूं तो ये हो जाएगा थ्री टाइम्स मीन माइनस मीडियन इज इक्वल टू मीन माइनस मोड मैंने सिर्फ नेगेटिव साइन कॉमन ले लिया तो ये वाला जो मेरा एक्सप्रेशन है ये दे रखा है इन ऑप्शन नंबर ए तो स्ट्रेट अभी मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तो एक क्वेश्चन हो गया दूसरा क्वेश्चन अभी बाकी है पूरी एनर्जी के साथ करते हैं क्वेश्चन नंबर टू तो दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि मोड डेटा का है एटीन और मीन है ट्वेंटी फोर निकाल के दिखाओ मीडियन तो अभी तक हम लोग घास थोड़ी काट रहे हैं अभी तक ये तो डिस्कस कर रहे हैं ना यार मोड इज इक्वल टू थ्री मीडियन माइनस टू मीन यहां पे मीडियन निकाले है मोड गिवन है और मीन गिवन है तो मीडियन तो हम लोग निकाल ही सकते हैं निकालते हैं तो 18 इज इक्वल टू थ्री मीडियम माइनस टू इन टू ट्वेंटी फोर सोल्व करेंगे तो तो तुम्हारा मीडियन आ जाएगा 22 तो इतने आसान क्वेश्चन है उम्मीद है कि ये दोनों प्रॉपर्टी एग्जाम में याद रखकर जाओगे एक छोटू सा क्वेश्चन और करते हैं एक छोटू सा तुम मना भी करोगे तो भी मैं सुनने वाला नहीं हूं क्योंकि मुझे बनाना है तुम लोगों को चैंपियन तो आ रहा है क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पर the so, क्वेश्चन का थ्री टाइम्स होता है डिफरेंस बिटवीन मीन एंड मोड तो लिख दो सिक्सटी थ्री इज इक्वल टू थ्री टाइम्स द डिफरेंस बिटवीन मीडियन एंड मीन तो डिफरेंस बिटवीन मीडियन एंड मीन आ जाएगा भाइयों 63 थ्री बाई थ्री यानी कि 21 तो बहुत आसान से क्वेश्चन है मुझे लगता है कि एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ने में ज्यादा टाइम लगेगा सॉल्व करने में कम टाइम लगने वाला है तो भाइयों एक बार हम वापस आ गया हूँ चैंपियंस वाले चार्ट पे। ये चार्ट इतना भारी भरकम हो गया ऐसा लग रहा है मुंबई की लोकल ट्रेन है मुंबई गए हो कभी वहां पे दादर से बांद्रा कैसे पहुंच जाते हैं किसी को पता नहीं चलता बस भीड़ चलती है और लोग पहुंच जाते हैं वैसे ही है हमारा दिख रहा है चैंपियंस वाला चार पूरा भरा हुआ लेकिन एक लास्ट प्रॉपर्टी अभी बची हुई है और यही प्रॉपर्टी बार -बार, बार 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 मैं नहीं बोलूंगा बार बार तो ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इस कॉन्सेप्ट का नाम है लावारिश प्रॉपर्टी मैं तो लिख देता हूँ यहां पे लावारिश प्रॉपर्टी लावारिस्ट प्रॉपर्टी इसलिए है क्योंकि ये मीन पे भी एप्लीकेबल होती है मीडियन पे भी एप्लीकेबल होती है और मोड पे भी एप्लीकेबल होती है ये प्रधानमंत्री की ऐसी योजना है जो हर एक भारतवासी पे लगती है इसलिए मैंने इसको नाम दे दिया है लावारिस्ट प्रॉपर्टी इट इज एप्लीकेबल ऑन एवरी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी अगर तुम लोग चेंज ऑफ ओरिजिन करते हो या चेंज ऑफ स्केल करते हो या फिर चेंज ऑफ साइन करते हो तो हर एक मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी सिमिलरली अफेक्ट होता है एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ तो देखो मैंने एक सीरीज ली टू फोर सिक्स एट ये हो गई एक्स अब अगर मैं सीरीज के हर एक ऑब्जर्वेशन में कोई चीज प्लस करता हूँ या फिर कोई चीज माइनस करता हूँ तो वो कहलाता है चेंज ऑफ ओरिजिन किसी भी नंबर को ऐड करना या किसी भी नंबर को माइनस करना इन एवरी ऑब्जर्वेशन ऑफ द सीरीज कॉल चेंज इन ओरिजिन तो एक्स का मीन आएगा फाइव तो अब मैं काम करता हूं हर एक ऑब्जर्वेशन में कर देता हूं प्लस टू तो मेरी नई सीरीज हो जाती है एक्स प्लस टू तो ये हो जाएगा फोर सिक्स एट और टेन अगर मैं नया मीन निकालूंगा तो मेरा नया मीन आएगा सेवन अब एक काम करता हूं पूरी सीरीज में मैं माइनस कर देता हूं थ्री तो अगर मैंने किया एक्स माइनस थ्री तो ये हो जाएगा माइनस तो वन ये हो जाएगा वन ये हो जाएगा थ्री ये हो जाएगा फाइव तो मेरा एक्स बार आएगा टू अगर मैं पूरी सीरीज को मल्टीप्लाई कर देता हूं टू से तो मेरे ऑब्जर्वेशन हो जाएंगे फोर एट ट्वेल्व और सिक्सटीन मेरा मीन हो जाएगा टेन और अगर मैं पूरी सीरीज को डिवाइड कर देता हूं टू से तो मेरे ऑब्जर्वेशन हो जाएंगे वन टू थ्री और फोर और मेरा मीन हो जाएगा 2.5 और अगर मैं पूरी सीरीज के आगे लगा देता हूं नेगेटिव साइन तो मेरी सीरीज हो जाएगी माइनस टू माइनस फोर माइनस सिक्स माइनस एट तो मेरा एक्स बार हो जाएगा माइनस फाइव तो कुल मिलाकर एक्स प्लस टू और एक्स माइनस थ्री मेरे हैं चेंज ऑफ ओरिजिन टू एक्स और एक्स बाई टू ये क्या लेंगे चेंज ऑफ स्केल जब मैं पूरी सीरीज में कोई नंबर मल्टीप्लाई करता हूं या कोई नंबर डिवाइड करता हूं तो वो कहलाता है चेंज ऑफ स्केल और जब मैं पूरी सीरीज में कोई नंबर प्लस करता हूं और कोई नंबर माइनस करता हूं तो वो कहलाता है चेंज ऑफ ओरिजिन और जब मैं पूरी सीरीज में सिर्फ साइन चेंज कर देता हूं तो वो कहलाता है चेंज ऑफ साइन तो ये कहलाएगा चेंज ऑफ साइन अगर तुम लोगों ने नोटिस किया होगा तो जब मैंने पूरी सीरीज में प्लस टू किया तो मेरा मीन भी प्लस टू हो गया जब मैंने पूरी सीरीज में माइनस थ्री किया तो मेरा मीन भी माइनस थ्री हो गया जब मैंने पूरी सीरीज को मल्टीप्लाई टू किया तो मेरा मीन भी मल्टीप्लाई बाई टू हो गया जब मैंने पूरी सीरीज को डिवाइड बाई टू किया तो मेरा मीन भी डिवाइड बाई टू हो गया और जब मैंने पूरी सीरीज के आगे लगा दिया नेगेटिव तो मेरा मीन भी हो गया नेगेटिव इसका मतलब है कि जैसे जैसे चेंजेस मैंने सीरीज में किए वैसे वैसे मेरा सेंट्रल टेंडेंसी का मेजर बदल गया ये ना सिर्फ मीन के साथ होगा बल्कि ये होगा मोड के साथ भी और मीडियन के साथ भी तो तुम्हें एग्जाम में एक इक्वेशन देके रखी होगी जैसे वो इक्वेशन तो हो फाइव प्लस टू इक्वल टू सेवन सिंपल है x की जगह x बार की वैल्यू रख दो तो तुम्हें मिल जाएगा y बार तो एग्जाम में वो तुम्हें नई इक्वेशन देंगे x बार की वैल्यू गिवन देंगे और तुम्हें बोलेंगे नया वाला वाइबर निकाल के दिखाओ तो तुम्हें कुछ नहीं करना है तुम्हें सिर्फ एक्स की जगह वैल्यू पुट करनी है और तुम्हारा आंसर आ जाएगा तो लावारिश प्रॉपर्टीज एप्लीकेबल ऑन मीन पे भी ज्योमेट्रिक मीन मीन पे भी, हार्मोनिक मीन पे भी भी हार्मोनिक मीडियन पे भी और मोड पर भी ये सब पे एप्लीकेबल है तो जल्दी से यार प्लीज पूरी ईमानदारी के साथ पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ जज्बा जुनून सब कुछ इकट्ठा करके

तो सीधे सीधे रख दो वाई की वैल्यू तो तुम्हारा मोड ऑफ एक्स आ जाएगा एटीन थ्री प्लस वन पॉइंट फाइव इंटू टेन यानी कि फिफ्टीन प्लस थ्री विच इज एटीन तो भाइयों अब वो घड़ी आ गई है जब हम बड़े से सेंट्रल टेंडेंसी खुकार राक्षस का अंतिम सवाल कर रहे हैं तो अपनी सांसों को थाम लो दिल को धड़कने दो और एक अंतिम सवाल करो मैं और गायब तो भैया देखो आखिरी क्वेश्चन है मीन ऑफ एक्स दे रखा है फिफ्टी मीन ऑफ यू निकालने का बोला है और यू की इक्वेशन दे रखी है टेन प्लस फाइव एक्स तो कुछ नहीं करना है एक्स की वैल्यू को डालना है और तुम्हें यू का मीन मिल जाएगा तो यू बार इज इक्वल टू टेन प्लस फाइव इंटू एक्स बार तो टेन प्लस फाइव इंटू फिफ्टी यू बार आने वाला है टू सिक्सटी डा ना, ना, ना ना ना, ना 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 यार डिजर्व करते तुम लोग यार बहुत बहुत बधाई बहुत बहुत शुभकामनाएं इसके पहले मैं कुछ भी बोलूं गाना बजाओ भाई तो भाई इस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा कि रिलेशनशिप क्या होती है मीन मीडियन और मोड की साथ ही साथ ये भी डिस्कस किया कि लवारिस्ट प्रॉपर्टी कैसे लगेगी और क्या सब पे लगेगी तो जी हाँ लवरिस्ट प्रॉपर्टी इज एप्लीकेबल ऑन एवरी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कुछ नहीं करना है जो भी वैल्यू गिवन है उसको इक्वेशन में डालना है और तुम्हें रिक्वायर्ड वैल्यू मिल जाएगी तो बहुत आसान से कॉन्सेप्ट थे जो हम लोगों ने इस प्लेज में किए मुझे पूरी उम्मीद है कि ये चैंपियंस वाला चार्ट भी तुम्हारे दिमाग में स्थिर हो गया होगा यू मस्ट रिमेंबर्ड दिस चार्ट देख लो एक बार अपनी पूरी मेहनत चैंपियंस वाला चार्ट क्योंकि तुम लोग एग्जाम्स में लाने वाले हो विनर्स वाले मार्क्स तो ये पूरा का पूरा चार्ट है मुंबई की लोकल जैसा दिखता ज़रूर है लेकिन जब एग्जाम को पास कर लोगे और फिर इन चार्ट की तरफ देखोगे तो रियलाइज होगा यार वो भी क्या दिन थे जब हम लोग खूब मेहनत करते थे खूब वीडियोस देखे और आज वी आर क्लियर और हम लोग सी इंटर में एंटर होने वाले हैं वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना क्योंकि मैं चाहता हूं हर एक बच्चा जो संघर्ष से गुजर रहा है वो पास जरूर हो एट सी फाउंडेशन लेवल तो तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर अगले वीडियो में वापस मिलूंगा कीप स्माइलिंग